संपूर्ण जनमानस का कल्याण किया है। कठिन में भी कठिन और प्रबल में भी प्रबल, ये मनुष्य का शरीर है। ना जाने कितने कितने जन्म हमने इस मानव देह को पाने के लिए गवा दिया। 84 लाख योनियां मनुष्य को जो प्राप्त हुई थी और उस 84 लाख योनि को त्यागने के बाद अंतिम जो योनि है वो मनुष्य की योनि, वो मानव का शरीर है। जो बड़ा कठिनता से प्राप्त होता है, अब इतनी कठिनता से जो योनि प्राप्त हुई है, इतनी कठिनता से मिली है, तो कोई भगवान ने यही हंसी खेल में मानव को नहीं बना दिया है। ना जाने हमारे जीवन में हमने कितने पाप कर्म करे होंगे, कितने पुण्य कर्म करे होंगे, कितने सत्कर्म करे होंगे और कितने बेकार भी कर्म करे होंगे। इन सारे कर्मों को ध्यान में रखकर यह मानव का शरीर दिया है महाराज जी। इन सभी चीजों का स्मरण कर ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और स्मरण कर यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको यूं ही नहीं कमाना। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। अगर बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का देह मिला है, मनुष्य का तन मिला है, मानव का शरीर मिला है और उसको भी हम ऐसे ही गवा दे तो हमारा जीवन बेकार है महाराज, हमारा जीवन व्यर्थ है। कुछ अच्छा कर कुछ अच्छा प्राप्त कर भगवत स्मरण कर भगवत भजन कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर भगवान के भजन कीर्तन स्मरण को धारण कर हम कुछ कुछ ऐसा कर मनुष्य देह से जाएं कि लोग बाद में भी हमको कहें कि कोई मृत्यु लोक में जन्मा था और जन्म लेने वाला मानव कोई साधारण नहीं था महाराज, कोई सहज नहीं था। जन्म सबका होता है और मृत्यु रिटर्न बढ़ाई है, मृत्यु भी सबकी होती है। जन्म भी सबका है और मृत्यु भी सबकी। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको फल प्राप्त होगा, उसके अनुसार हमको सुख प्राप्त होगा।
कुछ कर्म हम अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बहुत दान करो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि फुर्सत किसके पास है, के भी देंगे तो तुम सुनने वाले हो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा जी के घाट पर बैठकर भगवान भजन करो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, अपने रिश्तेदारों में, अपने नातेदारों में, अपने कुल में रहो और रहकर भगवान का भजन करो। इसकी बड़ा बाहर की नहीं है। परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, नाते रिश्तों में रहकर भगवान की भक्ति में डूब जाए, भगवान के भजन में डूब जाए। मैं मोदी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समय का, अपनी आयु का, अपने धन का, अपने मन का, अपने विचारों का, अपने शरीर का सदुपयोग करा है शिव महापुराण की कथा कर। और साथ में धन्यवाद दूंगा आप सभी को, जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे वो यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हो, आपने अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त की। दुकान पर बैठकर या फैक्ट्री पर बैठकर या ऑफिस में बैठकर जो तुम कमाते हो, पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो, जो आपने कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए। कई पड़ोसी के लिए कमाया है क्या तुमने? अरे जम के तो बोलो नहीं। किसके लिए कमाया? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो आपने दुकान पर बैठकर, ऑफिस में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, जिस भी जगह पर कमाया, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया। पर व्यक्ति जब सत्कर्म करता है, व्यक्ति जब भगवान का स्मरण करता है, दान करता है, पुण्य करता है, नाम जाप करता है, कुछ देर की माला जप लेता है, मंत्र जप लेता है, भगवान के मंदिर चले जाता है, या भगवत भक्ति में जब मनुष्य थोड़ा सा डूबता है, तो ये वो जो भजन कर रहा है, वो जो कीर्तन कर रहा है, वो जो मंत्र जाप कर रहा है, वो जो स्मरण कर रहा है, वो जो कथा सुन रहा है, वो जो दान पुण्य कर रहा है, वो जो नाम जाप कर रहा है, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं कर रहा है। इसने जितनी देर करा उसका फल उसको स्वयं प्राप्त हो रहा। उसका फल अगर मिलेगा तो उसको खुद को मिलेगा। उसका फल और किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगा। जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जितने कदम चलकर हम कोई पुण्य कर्म करने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ उतने हो गए जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपने उतने अश्वमेध यज्ञ का विचार भी नहीं करा होगा। इतने अश्वमेध हम अपने जीवन के कर लेते हैं, भगवान के भजन की ओर, कीर्तन की ओर, मंत्र की ओर, नाम जाप की ओर, स्मरण की ओर, जब हम चलते हैं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
हम उसको कैसे धन्यवाद दें, हम उसको कैसे रिझाएं, हम उसको कैसे मनाएं, हम उसको कैसे बोलें कि आपकी ही कृपा से मिल रहा है। थोड़ा व्यापार ज्यादा कर लिया, थोड़ा सा व्यापार ज्यादा करा, थोड़ा सा काम ज्यादा करा और इनकम ज्यादा हो गई, तो विचार करा कि ये मैंने कमाया, ये मुझे प्राप्त हुआ, ये मुझे मिला है, मेरे बल पे मिला है। डीले बहुत आ रहा है, उसको देखिए थोड़ा, ये मेरे बल पर मिला है। बहुत अच्छी पदवी पर आप पहुंच गए, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित पद आपको मिल गया, बहुत अच्छी कुर्सी तक आप पहुंच गए, बहुत अच्छे सिंहासन तक आप पहुंच गए, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा तक आप पहुंच गए। उसमें ये मत सोचना कि आपका कुछ है, ये तो आपके पूर्वजों ने कुछ पुण्य अर्जन करा होगा, कुछ इकट्ठा करा होगा और वो पुण्य का भाग गुल्लक तुम्हारे हाथ में लग गई, उस गुल्लक को तुमने फोड़ा और फोड़ते से ही उससे जो धन प्राप्त हुआ, उस पुण्य की गुल्लक जब फूटती है और थोड़ा सा कुछ प्राप्त होता है तो वो थोड़ा सा ले जाकर तुम कुछ वस्तु खरीद कर लेकर आते हो। उसी तरह जब हमारे पुण्य की गुल्लक फूटती है तब जाकर हमको कुछ अच्छा प्राप्त होता है। तब जाकर हमें कुछ अच्छा मिल पाता है। मोती समुद्र के किनारे पे मिलते हैं कि समुद्र के अंदर मिलते हैं? जम के बोलो जरा। किनारे पे मोती मिल जाएगा क्या? नहीं, समुद्र के अंदर थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। समुद्र के अंदर जब हम थोड़ा सा जाएंगे, उतरेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद में ऐसे ही कोई उतर जाएगा क्या? समुद्र में उतरने में भी तो सामर्थ्यता चाहिए। कितना प्रयास करा होगा तब जाकर कोई समुद्र के अंदर उतर पाता है, डुबकी लगा पाता है, गोता लगा पाता है, अंदर तक जाता है और जाकर फिर मोती को लेकर बाहर आता है। कितना प्रयास करा होगा, कितना। और किनारे पर मोती नहीं मिला, नीचे उतरे हो तब मोती प्राप्त हो। उसी तरह एक बार पशुपति व्रत कर लिया और विचार करा कि मुझे तो अब मोती मिल ही जाए, एक महीना लगातार शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा दिया और मन में विचार करा कि मेरे को तो मोती मिल ही जाए। अभी तो आपने मंदिर जाना चालू करा है, अभी अभी तो आपने पशुपति व्रत चालू करा है, अभी अभी तो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इतनी जल्दी आपको मोती मिल जाएगा क्या? वो तो शंकर भगवान कृपा करे हैं इसलिए आप पशुपति व्रत करते हो और आपका कोई कार्य हो जाता है, आप कोई उपाय करे हैं और आपका कोई कार्य हो गया, शिव जी के मंदिर गए वो कार्य हो गया, वो अटका हुआ था, भगवान भी इंतजार में बैठा हुआ था कि ये रोज कहती है मेरे मंदिर में आकर के मुझे ये देना मुझे वो देना। भगवान कहने लगे तू शिव के मंदिर गई कभी? जिस दिन से तू भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करेगी, जिस दिन तू भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करेगी, जिस दिन तू स्मरण करना प्रारंभ करेगी, अपने आप तेरे को फल प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी और लक्ष्मी का दास, दोनों के बीच एक बात रहती है,
दास कहता है कि लक्ष्मी मैया तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं खूब दान करूंगा, पुण्य करूंगा, सत्कर्म करूंगा, ये करूंगा, कथा करवाऊंगा, भागवत कराऊंगा, रामायण करवाऊंगा, गीता करवाऊंगा, सारे अच्छे काम करूंगा, यज्ञ करवाऊंगा, लक्ष्मी मैया तुम प्रसन्न हो जाओ। दास कहता है कि लक्ष्मी से कि तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं सारे अच्छे काम करूंगा। और लक्ष्मी क्या कहती है कि तू पहले अच्छे काम कर ले, मैं खुद प्रसन्न हो जाऊंगा। अब दोनों अटके पड़े। दास कह रहा है कि तुम प्रसन्न हो जाओ तो मैं सारे अच्छे काम करूं, लक्ष्मी जी करेगी तू पहले अच्छे काम कर, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सर्विस नौकरी जब लगती है ना तो पहले उसको सीखने का मौका दिया जाता है कि आपको कंप्यूटर ऐसे चलाना है, आपको प्रचार सामग्री ऐसे रखना है, आपको जाकर ऐसे प्रयोग करना है, आपको जाकर ये काम ऐसे करना है, जितने भी चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी। आप जब धीरे धीरे अच्छा करने लगते हो, कंपनी को लाभ होने लगता है आपसे, कंपनी को फायदा होने लगता है आपसे, फिर कंपनी आपको छोड़ेगी क्या? ईमानदारी से बोलो, नहीं छोड़ेगी ना। पर फर्ज आपका है कि आपको कंपनी को लाभ देना पड़ेगा, आपको कंपनी को फायदा देना पड़ेगा। और यदि कंपनी को लाभ नहीं हुआ, कंपनी को फायदा नहीं हुआ, तो फिर महाराज फिर कोई वो सोचेंगे अब काय को अपन 70,000 रुपए 50,000 रुपए महीना दे, 40,000 रुपए महीना दे, एक काम करो दो जनी का काम एक जनी करेगा, इसकी छुट्टी करो। कोरोना महामारी में ढेर सारों की जॉब चली गई थी, बोलो गई थी कि नहीं गई थी? चली गई। ऑफिस में उन्हीं को रखा गया था जो ऑफिस में थोड़ा सा अच्छा बल दे रहे थे। आपको भेज दिया गया आपके घर पर कि ये लैपटॉप ले जाओ, घर से काम करो, वहीं से बैठकर सब काम करो, हमारा प्राण मत खाओ, यहां से जा। बोल उसमें भी बाद में कह दिया गया घर से काम करना, फुल टाइम जॉब करना, समय पे बैठना, घर घर में लोग बहुएं बेटियां बेटे सब लैपटॉप ले लेके घर के अंदर एक कमरे में छत पे एक रूम में जाके बैठ जाते थे। किसी के यहाँ जाओ पूछो क्यों, अभी तो कोरोना चल रहा है, बहु बेटे तो यहीं होंगे, हाँ है ना गुरुजी, पर ऊपर है कमरे में, नीचे नहीं आएंगे, काम चल रहा है उनका, वो सर्विस नौकरी लैपटॉप पे चल रही है, जॉब उस पे ऑनलाइन चल रही है। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में जब कंपनी चाहेगी फोन करेगी और इनको वापिस जमके तो बोलो बुला ले। यही की यही हमको अपने जीवन में समझना है। भगवान ने भी हमको जन्म दिया है, लैपटॉप देकर पैदा करा है, मन रूपी लैपटॉप भगवान ने देकर पैदा करा है, और कहा इस मन पर काम करते रहना, राम नाम कृष्ण नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कार्य करते रहना, जपते रहना, भजन करते रहना, काम करते रहना, घर में करते रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन कंपनी का मालिक वापिस बुला लेगा, ये पक्का। आप करो तो घर पे जाकर भी कई लोग मक्कार हो गए, काम ही नहीं करे और तनख्वाह पूरी थी। कई लोग विचार करें कि नहीं मैं तो बाद में कर लूंगा, आधे घंटे बाद कर लूंगा, एक घंटे बाद कर लूंगा, नौकरी किन की गई,
कंपनी ने काम दिया था कि लैपटॉप ले जाओ, ये अपने अपने कंप्यूटर पे काम करना, अपने अपने घर जाओ, कोरोना महामारी चल रही है, किसी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने घर चले गए, बहुए भी गई, बेटा भी गया, बेटी भी गई, सबने अपना अपना, जिसने ईमानदारी से कोरोना महामारी के अंतर्गत भी काम करा उसको कंपनी वालों ने वापिस बुला लिया। जिन्होंने मक्कारी कर दी, सोचा बिचारा कि हो देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, करा जाएगा, कौन वहां पर ऑफिस में है, ऑफिस में रहते तो टाइम पे जाते, टाइम पे उठते, टाइम पे खाते, टाइम पे पहुंचते, अब यहाँ कौन देख रहा है, आराम से। अब लोग तो लोग, कितने लोग थे जो कोरोना महामारी में रोज नहा रहे थे, वो तो लैपटॉप पे बैठे रहे, एक दो बजे आराम से जब फुर्सत मिली नहा लो। बेचारी सासन भी बहुओं से नहीं बोली, क्योंकि बेचारी काम कर रही थी, तो कोई बोले। ऑफिसर ने फोन लगाया तुम्हारे पास में, किसी की नौकरी वाले के पास फोन लगा के बोला क्यों रे, बिना नहाए बैठा है, लैपटॉप चला रहा है, बिना नहाए कंपनी का काम कर रहा है। किसी ने बोला नहीं, उनको तो काम से मतलब था, उनने ये नहीं देखा कि तुम नहाए कि नहीं नहाए, उनने ये नहीं देखा कि तुमने खाया कि नहीं खाया, उनने ये नहीं देखा कि तुम किससे बात कर रहे हो, उनको तो काम से मतलब है। उसी तरह जैसे कंपनी के मालिक को काम से मतलब है, मेरे परमात्मा को नाम से मतलब है कि तुम जपो, कैसे भी जपो, और जपो, पलंग पर पड़े हो तो जपो, कुर्सी पर बैठे हो तो जपो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दुकान पर बैठे हो तो जपो, व्यापार कर रहे हो तो जपो, कोई कार्य कर रहे हो तो जपो, बस काम पक्का चाहिए तो एक ना एक दिन वो कंपनी का मालिक तुमको बुलाएगा और नौकरी पक्की कर देगा। बस उसको क्या चाहिए, तो हम भी तो ये कहते हैं नौकरी पक्की करो भोले मेरी नौकरी, जन्म जन्म से भटक रहा लख चौरासी को काट रहा, तनखा की नक्की करो भोले मेरी नौकरी पक्की करो, तनखा की नक्की करो भोले मेरी नौकरी पक्की करो। तुम अगर सही से जॉब करते रहे पूरा काम, भले तुम, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना के जपे, तो जो सर्विस करने वाले उनसे पूछ लेना कोरोना महामारी में वो ना के लैपटॉप चला रहे थे, उनसे पूछो, कंपनी का काम बिना नहाए कर रहे थे, ऑफिस में होते तो नहाते, ऑफिस मतलब मंदिर, मंदिर में जाओ तो नहा के जाओ, पड़ गए बीमार, शरीर काम नहीं कर रहा, बेकार हो गया, 80 साल की आयु हो गई, 90 साल के हो गए, 70 साल, 72 साल, 62 साल, 65 साल, 66 साल, 90-95 तो बहुत बड़ी बात है। भाई 90-95 बहुत, आज के जमाने में बहुत बड़ी बात, तो तुम कोई गुरुजी के ताऊजी तो हो नहीं, हमारे ताऊजी 95 के बाद बात, तो तुम सोचो कि गुरुजी के ताऊजी हम, तो वो बात दूसरी, फिर कहीं कहीं का ताऊ होगा, पर सब तो ताऊ नहीं हो सकते ना, अरे बोलो तो जमके, बड़ा मुश्किल का जीवन है साहब, यही पता नहीं है कि कौन 32 में, कोई 50 में, कौन 25 में, कौन 40 में, आज के जमाने में तो सुगर भी जन्म लिए बच्चे को हो जाती है, अब उसने कौन सा मीठा खाया था, तो डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा क्यों तो मीठा खाती थी क्या, नहीं साहब, खुद बोले कि मीठा खाए नहीं, ये तो मीठे से नफरत करे, चाय भी फीकी पिए, इसको पसंद ही नहीं ज्यादा मीठा, ये तो नमकीन खाए, तो फिर छोरा के सुगर कहां से होगी, जन्म लिए बच्चे को शुगर साहब, जरा विचार करिए, अवस्था नहीं है, हमें दूसरे को देखकर नहीं जीना कि उसका वैभव कितना है, उसका धन कितना है, उसकी सत्ता कितनी है, हमें अपने आप को देखकर जीना है।
हमें दूसरे को देखकर नहीं जीना कि ये 90 साल जिया था, ये 95, ये 80, ये 85। हमें अपने आप को देखना है कि अपना जीवन कितना अपने को मालूम ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, ही की आंखें खोलो रे तुम वल्लभ के। तुम भगवान के होकर तो देखो। क्या गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सोते सोते कर सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भोजन करते कर सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बिना स्नान के कर सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से मतलब नहीं, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तुम भगवान का नाम कैसे भी जप सकते हो, मर्जी तुम्हारी होना चाहिए। कितनी सुंदर बात आई है कर्माबाई का चरित्र में। कर्माबाई रोज बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, भगवान को आवाज लगाती थी, आओ जगन्नाथ खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आते थे, खाकर जाते थे। एक दिन कोई संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल गया। संत ने कहा, कर्मा ओ माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी ला कर दे दी। कर्माबाई ने जैसे ही सुबह सुबह खिचड़ी दी तो संत ने कहा, ये इतनी जल्दी सुबह से खिचड़ी क्या बासी ला के दी है? कर्माबाई बोली, बासी नहीं है, ताजी है, सुबह से इतनी जल्दी बन गई। कर्मा भाई बोली, हो तो संत ने पूछा, नहाई थी, संध्या करी थी, भजन करा, फिर खिचड़ी जगन्नाथ के लिए बनाई थी। संत ने खिचड़ी को उठाकर फेंक दिया। तुझमें अकल नहीं, विवेक नहीं, तुझमें तुझमें बुद्धि नहीं है, भगवान को भोग बिना नहाए बनाकर खिला दिया तुझे। अरे कर्मा, ना जाने कितने नरकों का भोग भोगना पड़ेगा, तुझे मालूम नहीं है। कर्मा भाई ने संत के चरण पकड़ लिए। संत के चरण, और कर्मा भाई ने संत के चरण पकड़ कर कहा, गुरुदेव आप बताओ कि मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं। भगवान संत ने कहा, पहले सुबेरे सुबेरे शौचादि कर्म कर स्नान कर संध्या वंदन कर भगवान का पूजन अर्चना कर पाठ पूजन करने के बाद फिर खिचड़ी बनाकर फिर भगवान को भोग लगाओ, तब जाकर भगवान उसको प्रेम से अरोगेंगे। कर्मा भाई ने आज वही करा। सुबह से उठ गई, स्नान आदि करा, शौचादि कर्म से आई, स्नान करा, संध्या पूजन माला जो जो गुरु जी ने बताई थी सारा माला पाठ जाप अनुष्ठान सब करा। करते करते दोपहर की 2 बज गई। बजने के बाद कर्मा भाई ने खिचड़ी रखी। जगन्नाथ जी महाराज 4 बार आके चले गए कर्मा भाई के घर से, 4 बार। अभी भी आंख बंद करके बैठी थी, माला जप रही थी, अभी भी जब 4 बार जगन्नाथ जी आकर चले गए। दोपहर में 3 बजे कर्मा भाई ने आवाज लगाई, आओ जगन्नाथ खाओ जगन्नाथ। जगदीश भगवान आए, कर्मा भाई से पूछा, काकी एक बात तो बता। कर्मा भाई ने पूछा, क्या? तो ये बताओ कि खिचड़ी बनाने में आज देरी क्यों कर दी? मेरे को सुबह से भूख लग रही थी, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना भूखा हूं, मेरे को कितनी भूख लगती है। नाथ द्वारा में मैं 8 बार भोजन करता हूँ, सांवरिया जी में मैं 6 बार भोजन करता हूँ। गोवर्धन में जतिपुरा में तो 15-15 मिनट में जीमता रहता हूँ। वृंदावन में तो हर सेकंड में खाता हूँ। बद्री विशाल में मैं 6 बार खाता हूँ। तिरुपति में तो मैं इतने बड़े बड़े लड्डू ना जाने दिन भर कितने निपटा जाता हूँ। क्या कर्मा भाई आपको मालूम नहीं? और आप भोजन मुझे 3 बजे दे रही हो। कर्मा भाई बोली, अब क्या बताऊं रे जगन्नाथ, एक संत जी आए थे, उन संत जी ने कहा कि तू बिगड़ना है भोजन बनाती है, इसलिए उनने जो पाठ बताया जैसा जैसा बताया वैसा वैसा मैंने कहा। जगन्नाथ जी ने कहा, संत कहां गया के इधर ही गया है। भगवान जी बोले, अब खिचड़ी तो बाद में खाऊंगा, पहले जगन्नाथ जी बोले संत से निपट जाऊंगा, इसके बाद खिचड़ी खाऊंगा। संत जा रहे थे माला फेरते 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 पहुंच गए जगन्नाथ जी। जो जगन्नाथ जी गए और इनके गले में हाथ डाल के इनके ऊपर चढ़ गए तो ये नीचे चित्ता था। संत मुझे कौन? जगन्नाथ जी के तरह बाप कौन? तो के जगन्नाथ
संत ने पूछा जगन्नाथ पुरी का जगन्नाथ? हाँ उतर तो। भगवान जैसे ही नीचे उतरे संत ने भगवान के विग्रह को देखा तो चरण पकड़ लिए। ना आज आप यहां मेरी माला में इतना असर हो गया कि आप मेरी पीठ पे चढ़ गए। भगवान बोले माला में असर नहीं हुआ है, जो तू गड़बड़ी करके आया है ये असर उसका है। अरे प्रभु क्या गड़बड़ कर दी मैंने? कर्मा भाई को बोल कर आया था कि पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, पूजन करो, आराधना करो, पाठ करो, फिर जाकर खिचड़ी बनाकर जी मां मैं भूखा रह गया, जा जाकर बोल क्या कर्मा भाई को कि जैसी बनाती थी वैसी बना। जब बोल कर प्रभु बोलने तो बाद में जाऊंगा, पर आज मेरा दिल इसलिए खुश हो गया कम से कम आपका दर्शन इतने जीवन के बाद तो हो गया, बस इसी में खुशी हो गई। संत दौड़े कर्मा भाई के पास गए, कर्मा भाई के चरण संत ने पकड़ लिए। अरे कर्मा तू जैसी बनाती थी जगन्नाथ जैसा पाता था वैसे बना और वैसे पवा। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहली सुबह की खिचड़ी बिना नहाए जगन्नाथ जी के लिए बनती है और कर्मा भाई के नाम से भोग लग रहा है आज भी। भले कर्मा चली और जब जगदीश रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी का रथ सबसे पहला पड़ाव जगन्नाथ जी का कर्मा भाई के मंदिर के सामने ही रुकता है जहां कर्मा का पुराना घर था। मंदिर में से खिचड़ी का पात्र जाता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, तब मेरे जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है, आगे ही नहीं बढ़ता। कितनी भक्ति गुरुजी बिना नहाए मंत्र जप सकते हैं? अगर कोई कह दे बिना नहाए नहीं जप सकते तो जब मरने का समय होगा प्राण छूट रहे होंगे, पलंग पर सड़ रहे होंगे, पड़े होंगे, फिर इनकी गति कैसे सुधरेगी? मरने वाले व्यक्ति को तो परिवार के लोग भी कहते राम बोलो राम बोलो बोलो राम बोलो कहते, इनकी गति कैसे? महाराज चाहे तुम कहीं भी रहो देश में विदेश में जहां भी रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन करो। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जगह जिस पर जिस स्थान पर जहां तुम्हारा चित्त कर जाए, जहां तुम्हारा मन कर जाए, जहां तुम्हारी वृत्ति बुद्धि कर जाए तहां रहो, पर भजन करो। इस भूमि पर मंदिर पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। कुबेरेश्वर धाम के मंदिर में कहीं आप कुबेरेश्वर गए होंगे अंदर गुफा में प्रवेश करे होंगे तो भी आपने दर्शन करा होगा, उसमें अभी मूर्ति नहीं है। जब कुबेरेश्वर के अंदर आप गए होंगे तो कोई मूर्ति वहां नहीं है, केवल एक गुफा है, केवल भूमि। और भूमि भी चुनने वाला वही देवाधिदेव महादेव, बस वो भूमि। और उस भूमि की महत्वता यहां अभी ना तो कुबेरेश्वर में भगवान शंकर बैठे ना ऊपर मुरली मनोहर में भगवान कृष्ण बैठे, यहां तो केवल एक भजन है, केवल एक भजन जपो श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु यहाँ केवल इस मंत्र का जाप है, चाहे आप इसको भी ना जपे तो पंचाक्षर जपे, षडाक्षर जपे। घर जाने से पहले भूमि पर, जमीन पर बैठकर, जहां कंकर शंकर है ऐसी धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर प्रेम से भगवान से दिल की बात कहकर जाना, 3 महीने में वापिस बुला लिया वापिस। और कहने में संकोच नहीं करूंगा, इस भूमि पर जितने लोग यहां बैठे हो आपस में एक दूसरे का मुंडा देखकर जाना, 3 महीने बाद वापिस यही मिलने वाले। ये उसकी कृपा है, इस भूमि का फल है कि जो आया वो खाली तो नहीं गया कुबेरेश्वर धाम की धरा से। पर निवेदन इतना सा है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो 108 बार, तब धीरे धीरे जपना, घास नहीं काटना है हमको। हनुमान चालीसा जैसे तुम लोग पढ़ते हो ऐसे मत पढ़ना, जैसे तुम लोगों की आदत रहती है नहाते समय बाल्टी का डब्बा जोर डाला, श्री गुरु चरण सरोज महावीर विक्रम कंचन शंकर सुवन पूरी हनुमान चालीसा चल रही है और इसका पूरा श्रृंगार चल रहा है। हनुमान जी भी सोच रहे अरे ओ चंद्र घंटा इतने हाथ जोड़ू या तो चालीसा पढ़ ले या श्रृंगार कर ले। अच्छा कई बार भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान कई बार भगवान ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि उनको भी सोचना पड़ता है, जैसे भस्मासुर को आशीर्वाद देकर कितने वर्षों से लगा था शंकर भगवान की आराधना करने में, आखिरी में पार्वती जी ने शिव जी को राजी कर लिया। सबसे पति हर एक बात में राजी होता ही नहीं है, पर ये है नहीं, समझ जाए बस इशारा में समझ जाओ। इसके चक्कर में अच्छा कईयों का मन भी नहीं हो कि हम मंदिर जाएं, अपन शंकर जी के मंदिर जाएं या शिव महापुराण में जाएं, पर ध्यान जाना पड़ेगा। कईयों का मन नहीं करता कि हम ससुराल जाएं, बार बार पत्नी कहती है अभी तक नहीं आयो कहां पे गए कहां रह गए। निकल रहा हूं पहुंचूंगा भोपाल से, निकल रहा हूं 42 किलोमीटर तो है, 4 दिन से कह रहा कथा चल रही कथा चल रही, हाथ है ना ये उसी में का नहीं हो गया, जैसे वो एक पत्नी अपने पति से बड़े प्रेम से कह रही बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, धो दोगे क्या, नहीं तो समय मिले तो धो देना नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति इतने में समझ जाए कि कपड़े की नहीं बोल रही है, उसने क्या कहा धो दोगे क्या नहीं तो मैं आके धो दूंगी, शब्द पर जाइए। समझदार होए तो बेचारा तुरंत के रेंदे बाद में धोएगी, तुम नहीं धो, उसको मालूम है कपड़ा नहीं धोएगी, तो कपड़ा नहीं धोने वाली हो ये। जब
मुंडा ऐसा बना लेनी तो बेचारा पति होने के भी सोचना पड़े कि तू तो काली रे कल्याणी हो माय जित देखूं त जोग माय। और तू तो सीहोर में परणाई हो माय जित देखो उत जोग माय। अब बोले सब बोले तुम दो दोगे क्या? अरे बोलना ही नहीं चाहिए था। और फिर आखिरी में कह भी तुम मैं दो दूंगी नहीं तो इतना ही किया बेचारा बेहरू ने सब जितना पड़ा तुम सब दे दिया एक नहीं छोड़िया कि एक छोड़ दो सब। अब यही हमारा सत्संग कह रहा है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरा नाम कैसे ले रहे हो कैसे। अगर नेत्रों से भगवान मिलता होता तो सूरदास को कभी कृष्ण ही नहीं मिलते कभी नहीं मिलते। हाथों के बल पर यदि भगवान मिलता होता तो जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान जगदीश अपने हाथ लगा कर बैठते। जगन्नाथ जी में हाथ नहीं लगाए। पांव के बल पर अगर भगवान मिलता तो सालिग्राम भगवान शिला के रूप में नहीं रहते। भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता। भगवान केवल निर्मल मन सो मोही। आपका मन कितना पवित्र निर्मल मन सो मोही पावन। भगवान केवल एक मन के बल पर मन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो दया करी निदर्शन आपो। भगवान केवल आप भगवान को जाना चाहते हो तो केवल भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं घाट पर जाकर बैठ जाओ कि तुम कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ कि तुम कहीं स्थान पर जाकर बैठ जाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुम्हारे घर में भी रहो तुमसे बने जैसा भजन करो पर मेरा भजन करो। भगवान कभी भगवान को ये छल प्रिय नहीं। भगवान को छल प्रिय नहीं। भगवान को केवल हृदय भाव। तो मोती समुद्र के किनारे पर नहीं मिलते। मोती पाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगी। समुद्र में डुबकी लगा वही सकता है जिसको तैरना आता होगा। तैरने से भी बढ़कर तैरना आना चाहिए कि अंदर जाएगा और मोती उठाकर लाएगा। गोताखोर होना चाहिए जो दमदारी से नीचे उतर कर जाए और मोती हेड़कर लेकर आ जाए। वही मोती हमारे हाथ में आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन दो दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन मंदिर चले गए। आठ पंद्रह दिन मंदिर गए और मंदिर में से मोती नहीं मिला क्योंकि घाट पर घूम रहे थे। अंदर प्रवेश करा कहां है तुमने अभी अंदर प्रवेश करा था अभी तो तुम घाट पर घूम रहे हो। एक महीना दो महीना अभी हुए कितना समय शिव महापुराण की कथा को जो आप लोग इतने दिल से प्रेम से सुन रहे हैं। मात्र कोरोना महामारी के दो वर्ष और हम तो कहते हैं कि भगवान को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। तो हमको तो लगता है कोरोना महामारी शंकर भगवान को शिव महापुराण प्रकट करना थी इसलिए संसार में लाकर छोड़ी। नहीं तो इस शिव महापुराण को तो लोगों ने दबा दिया था साहब।
श्री शिवाय नमस्तु पे मंत्र दबा हुआ था, पशुपति व्रत दबा हुआ था, शंकर का अनुमोदन दबा हुआ था, शिव लोगों भगवान शंकर के मंदिर में लोगों ने जाना छोड़ दिया था, कोई जाता ही नहीं था, केवल श्रावण महीना में जाए, एक लोटा पानी ऊंडे लेके आ जाए, शिवरात्रि पे जाए, रात को झांकी का दर्शन करके आ जाए, कोई नहीं। भगवान को कुछ शिव को कुछ दर्शन कराना होगा, इसलिए शायद ये कोरोना महामारी आई होगी। शिव को आपके हृदय में भगवान शंकर को देखना था, ये भटक रहा है, बहुत भटक रहा है, इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाना है, जैसे पत्र में आया है। राजकुमारी ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश से कहीं बैठी हैं आप ही हैं, माइक दीजिए जरा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। क्या नाम है आपका? माइक चालू करिए जरा। चालू करके दिया करो ना भाई। शंभु क्या नाम है आपका? आपने लिखा है राजकुमारी जी, भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई है गुरुदेव, परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में आन पड़ा था, पूरे परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई थी। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। कहाँ से आए? आगरा से। ताजगंज? हाँ, आगरा ताजगंज। जी, बाबा ने कृपा करी? बहुत, गुरुजी इतनी कृपा करी कि कुछ कह नहीं सकती, इतनी कृपा, बहुत कृपा करी गुरुजी। आपने लिखा है बहुत बड़ी मुसीबत में थे, कर्जा इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि सब कुछ अगर देवी देते तो नहीं चुकता, नहीं चुकता गुरुजी, कुछ भी बेच देते फिर भी नहीं चुकता गुरुजी, नहीं चुकता। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पशुपति व्रत करे थे और आपने जो श्रावण के महीने में उपाय बताया था सारे करे, सारे वो कर लिए, अब पूरा कर्जा भी चुक गए और हम लोग सब स्वस्थ हैं और आनंद में विराजमान। बहुत बहुत बाबा की गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप भगवान से दिल से जो कहते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब कहना तो सीखो से, फिर कहूंगा। चार दिन मंदिर चले गए, आठ दिन मंदिर चले गए, पंद्रह दिन मंदिर चले गए, एक महीना चले गए और तुमने सोचा भगवान हमारा काम कर ही नहीं दिया तो हम शंकर जी को छोड़ते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। पर एक बात याद रखना अपने जीवन में, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे सकते। तुम कितनी भी चाय पिला लेना, तुम कितना भी धोख लगा लो, चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, चाहे पड़ोसन को चाय कितना भी पूछ लो, चाय कितना भी खिला पिला लेना,
पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं देगी। जायदाद का हिस्सा पड़ोसन कभी नहीं देगी। तुम सास को भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, चाहे रोटी दो, चाहे मत दो, इसके बाद भी टोकरी मरेगी तो दौलत तुझे ही देगी। अब अंतर देख लेना जरा, बहुत सरल भाषा में समझना। तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी से भी जाकर निवेदन कर लो, घड़ी किराने की दुकान पर कभी नहीं सुधर सकता, घड़ी कपड़े की दुकान पर नहीं सुधरेगी, घड़ी ना किराने की दुकान पर, ना कपड़े की दुकान पर, ना कबाड़े की दुकान पर। घड़ी अगर सुधरेगी तो घड़ी की दुकान पर सुधरेगी। और घड़ी की दुकान पर जाकर कहोगे कि ये घड़ी सुधार दो, पहले तो वो सेल बदलेगा, नहीं चलेगी तो कहकर 7 दिन पटक दो, 7 दिन के बाद मैं इसको सुधार दूंगा। समय उसने भी मांगा कि 7 दिन पटक कर रखना, मैं सुधार दूंगा। और 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, 7 दिन अपनी घड़ी नहीं सुधर रही तो परमात्मा के चरणों में जाकर बैठ जा, 7 दिन में सुधारेगा, ये उसकी जवाब है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना कर रहे हो, जिसने घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, हर पल घड़ी नक्षत्र, ऐसी कोई समय घड़ी नहीं जो शिव ने ना बनाई है, सब शंकर का। अब भटकते हो, 1 महीना कर लिया, 1-2 बार कर लिया, नहीं हुआ दूसरे मार्ग पर चलेगा, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग पर चलेगा। तुम जाओ कितनी भी जगह जाओ, पर आखिरी में तो देगी तो सास ही दे। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में है, और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा अवधूतेश्वर, मेरा भूतेश्वर मृत्यु लोक में। जो पास में होगा वही सबसे पहले दौड़कर आएगा। एक बहु पूना में रहती है, एक तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, आई वो पर तुम्हारी पट्टी तो उससे ही अच्छी है जो दूर रहती है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने, जो नजदीक रहती है उससे कहां पट्टी है, वो तो तुम्हें खार सी दिखती है। अंदर जाए कमरा में लगे कि कुछ सोए भी तो एक आंख पूरे खोल के सोए देख कि ये कहीं कुछ निकाल, जो करीब में रह रही है उस पे शंका कर, और जो दूर रह रही है वो बड़ी अच्छी है। आती दिवाली पे 2-4 दिन के लिए, होली पे आएगी, मम्मी जी करके 2-4 बार मम्मी जी करेगी, और एक अंगूठी का चूना लगा के ले जाएगी। थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए। अब जरा विचार तो करो, विचार करिए। अंत समय भोले आना करेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत ये जीवन है मनुष्य का, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य का जीवन, मानव का शरीर है, मनुष्य का जीवन है, मानव तत्व है। बंद करवाइए मोटर को, बंद करवा दीजिए। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ये मनुष्य का जीवन मिला,
मानव का शरीर मिला है और मानव का जो शरीर है वो मिला तो है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। महाराज जो नजदीक में है वो तुरंत दौड़कर आ जाएगी, मम्मी क्या हुआ, भले बात मत करो, भले कितना भी बेकार व्यवहार हो, पर तत्काल में अगर आएगी तो वही आएगी। दूर वाले तो फोन लगाएंगे, क्या हो गया, कब, कैसे, क्यों, हॉस्पिटल नहीं ले गए क्या, ले जाना था तो तू आ जाती। इतना ज्ञान दो ना तो थोड़ा बहुत तो करो रे, सीधी सीधी बात है, करे कुछ नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, जब नई नई सोने की अंगूठी पहनते हैं ना तो बड़ी इशारे में बोलते हैं, सामान उठाओ वहां से, जब नई नई सोने की अंगूठी पहने, जरा सामान उठाओ वहां से, उधर से उठा के उधर रखो। एक व्यक्ति की तो अंगूठी किसी ने देखी ही नहीं तो उन्हें अपने घर में ही आग लगा दी और बाहर खड़े होकर बोले पानी डालो, पानी डालो, फिर अंगूठी घुमाए उधर से डालो। तो क्या मतलब का है, प्रेम जता रहे और वो भी कितने दिन का, थोड़े दिन। फिर वही कल वाली बात याद आ गई, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, कितने दिन ओके बात तो नुक्ति से खूब झड़े क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। फिर करना क्या, कौन याद कर रहा, किसको, कौन बुला रहा, कौन याद कर रहा, कुछ अच्छा कर्म कर कर जाइए, कुछ जीवन में ऐसा कर कर जाओ कि जीवन की सार्थकता बन जाए। जीवन का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाए। महाराज पूछा, कहा कि निर्मल मन से अगर शिव को भजाए तो शिव मिला, किनारे पर मोती नहीं मिल सकते, मोती अगर मिलेंगे तो महाराज थोड़ा सा तो डुबकी लगाना पड़ेगी, थोड़ा गोता लगाना पड़ेगा, मिलेंगे प्राप्त जरूर होंगे और मिलेंगे, बस हृदय को शिव से लगाना पड़ेगा, मन को शंकर से। दिल तुझको दिया मोती मिलेगा, शिव तत्व भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शिव का आशीर्वाद, शिव की शिव की दया करुणा हमें प्राप्त होगी। पर पहले हमें थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, थोड़ा सा हमको तैरना आना चाहिए, और यदि थोड़ा बहुत भी हमको कुछ तैरना आ गया, थोड़ा बहुत भी हम मंदिर जाना चालू कर दिए, शिव महापुराण में थोड़ा सा मन लगाना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा मन शंकर की भक्ति में अगर लग गया तो ये पक्का है कि फिर अटकना नहीं। दुनिया वाले हाथ पकड़ते हैं और परमात्मा हाथ पकड़ता है, उसमें अंतर होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। दुनिया के लोग हाथ पकड़ते हैं तो कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, पर भगवान यदि हाथ पकड़ता है तो एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता, बहुत ध्यान रखना।
मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा ये नहीं चल रहा है क्या पक्षे? मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, जब हाथ पकड़ता है ना तो फिर छोड़ता नहीं, फिर नहीं छोड़ेगा। एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बस बाबा, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छटी नामे कटी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छटी नामे कटी जावांगी। इतनी कृपा करना मेरे शंभू, तेरे भरोसे पर जी। अगर तेरा सहारा नहीं होता, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे आस्था टीवी पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे, और जितने लोग इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से कहना, पूरी कोरोना महामारी में जब जब संकट ने घेरा, पास पड़ोस तक भी लोग बीमार हो गए, जाने की तैयारी हो गई, पर आपको अगर बचा कर रखा तो मेरा श्री शिवाय नमः तुभ्यं बचा, शंकर बचाया होगा। आप उसको दिल से रिझाओगे क्यों? एक पत्र आया बड़ा सुंदर है, पत्र सभी सुंदर है, वो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं आप। मैं सीमा अग्रवाल आजमगढ़ यूपी से आई है। कहाँ बैठी हैं सीमा जी अग्रवाल? आजमगढ़ यूपी। आप ही हैं, जरा माइक दीजिए। आपने पत्र में लिखा है सीमा दीदी अग्रवाल, आप पत्र में लिख रही हैं कि गुरुदेव, मैं पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में टीवी पर कथा सुनकर यहां पहुंची थी, और बाबा से निवेदन करने पहुंची थी। क्या हुआ रुद्राक्ष उत्सव में आए थे उसके बाद कुछ हुआ? बाबा ने इसमें अपने पत्र में लिखा है कि मेरी दो कामना थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? सीमा अग्रवाल आजमगढ़। आजमगढ़ से आए यूपी से। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे। माइक पास कर लो। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे जी, और 35 साल हो गए थे, मेरे पास घर नहीं था और हम बहुत दुखी थे। यहाँ बाबा से विनती किया, प्रार्थना किया और जाकर पशुपति व्रत किया, और आपने जो जो उपाय बताया सब किया गुरुजी। 3 महीने के अंदर घर बनना प्रारंभ हो गया, और बेटे की शादी तय हो गई, और नवंबर में गृह प्रवेश भी हो गया और बहू भी घर आ गई। बधाई, दो काम एक साथ हो गए, और क्या चाहिए? बधाई बधाई। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी है, बेटी विराजी। एक पत्र आया है, बड़ा छोटा सा है पर मस्त है। मैं मालती दुबे होशंगाबाद से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा माइक देंगे? माइक नहीं, बड़ा दीजिए माइक, बड़ा ही। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, छोटा सा है परंतु बात बड़ी सुंदर लिखी। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं मालती दुबे
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की गुरु जी, मेरा मेरे बच्चे का परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, 2 साल हो गए थे, लेकिन मैंने मार्च से यहाँ आई और आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, तो मेरी बहू भी घर में आ गई और वो गवर्नमेंट जॉब में है बच्चा, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, गलत संगत में आ गया था, तो वो नौकरी पे भी नहीं जाता था, लेकिन जब से मैंने ना एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करा एक चावल डाल के, तब से वो नौकरी भी अच्छी कर रहा है और उसे क्वार्टर भी मिल गया। बधाई हो आपको बहुत बहुत। अब परिवार अच्छा रह रहा है उनका। गुरुदेव जी, उसकी एक गाड़ी घूम गई थी अपाचे, तो वो बैतूल में मिली, आपके पास मैं आई थी, आपसे मिली भी थी, आपने कहा था 5 दिन के अंदर मिल जाएगी, तो वो सच में गुरु जी मिल गई। और वो भगवान को कभी मानता नहीं था, लेकिन जब से मैं शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ उसको भी सुनाती, वो आज मुझे लेके आया था, मुझे छोड़कर अपनी मन की अभिलाषा करके वो वापस चला गया। बाबा की कृपा। मैं अभी तक गुरु जी 6 बार यहाँ आ चुके, लेकिन मैं अपने पैसों से नहीं आ पाती थी, मैं दूसरों की मदद से आई, लेकिन आज बेटा मेरा खुद लेके आया, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा भी खुश है और वो सब अच्छे से कर रहा है। बाबा की कृपा हो, बाबा इसी करुणा करे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए बहन, बहुत बहुत अच्छी बात, अपने अपने दिल की बात कही और ये तक कह दिया कि मैं अपने पैसे से नहीं आ पाई थी, पर भले पास पड़ोसी के पैसे से पहुंचे पर गलत जगह तो नहीं गए ना, गए तो मेरे बाबा के दरबार पर ही हो, बाबा के पास, तो बाबा साध ले, हृदय की चित्त की बात समझ ले, बस उससे निवेदन करो, विनय करो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी हृदय शरण आपो। आप अगर दिल से उससे कहोगे थोड़ा सा तेर ना आना चाहिए, तो तुम धीरे धीरे जब तेर ना जान जाओगे तो गोता लगाना सीख जाओगे, गोता लगाना अगर सीख गए तो नीचे से मोती लाना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुनो भले मोबाइल पर सुनो, अगर सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम तेर ना सीख गए हो, अब एक ना एक दिन तुम गोता लगा ही लोगे और बाबा मोती प्रदान कर ही देगा, कुछ ना कुछ मेरा बाबा तुमको देगा जरूर, कोई खाली नहीं गया बाबा। इस कुबेरेश्वर धाम का तो एक तत्व देखा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया, कितना विश्वास है लोगों का, तो लोग जोड़े ना यहाँ से लगभग 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर, वहां से लोग दंडवत करते करते आते हैं, तब देखते हैं तो लोगों का विश्वास कितना प्रबल, कितना विश्वास। आप बस दिल से कहो, एक बार कभी बैठे उस भूमि पर, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा कहीं पर भी बैठ कर कह देना, ये हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुफा में जाकर ही 5-10 मिनट बैठे और फिर बोले, आपकी जहां मर्जी पड़े आप तो वहां बैठकर बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप तो सिर्फ कहो दिल से। थोड़ा सा तैरना जान गए हम, शंकर को जाने, अभी तक हम शिव को नहीं जानते थे, अभी तक तो हमने शंकर के केवल घर के लोग जाते थे तो हम भी चले जाते थे, पहले हम जितने लोग कथा सुन रहे हो ना शिव तत्व से दूर थे बहुत, पर अब उसके करीब पहुंचने का हमको मौका मिला है, उसके नजदीक जाने का हमको मौका मिला है, हम उसके पास पहुंच गए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, वो भले इस भूमि पर कोई मूर्ति के रूप में विराजमान नहीं है, धरा पर मंदिर अभी तो बन रहा है, आप जैसे दानदाता लोग जो दे रहे हैं बनवा रहे हैं, ये बन रहा है अभी तो, वो बनवा रहा है आगे, यहां तो केवल कंकर शंकर है। जैसे वो अग्रवाल दीदी ने कहा आजमगढ़ से आई है,
आई थी पिछले रुद्राक्ष में, अनायास पहुंच गई होगी, बस केवल कथा सुनी होगी टीवी पर और पहुंच गई होगी। आपका भी मन कर रहा होगा, अनायास पहुंच गए, बस बिना करना जाना है पहुंच जा। क्या पता भोलेनाथ जी को भी ये रुद्राक्ष उत्सव कराना था, नहीं तो बीच में लॉकडाउन लग गया था तो विचार कर लिया था कि भले लोग कह रहे हैं कि रुद्राक्ष चाहिए और बीमारी को दूर करने के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए, पर विचार करा था कि रुद्राक्ष उत्सव नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन शासन प्रशासन के साथ चलना पड़ता है, सबकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब निरोगी रहे, यही बाबा से विनती है। पर बाबा को कराना होगा, इसलिए उन्होंने 15 दिन पहले ही लॉकडाउन हटा दिया। रात का भी लॉकडाउन लगा हुआ था तो बाबा ने कहा और आधी रात को इधर उधर घूमती फिरेंगे पूरे जंगल में, शिव कृपा। और फिर निमंत्रण है आप लोगों को 28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आस्था चैनल के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर भी आएगी, जो नहीं आ सकते हैं वो वहां से कथा का लाभ लीजिए। पर सुनो शिवरात्रि पर कथा, रुद्राक्ष ले आपको प्राप्त हो। किसी माता जी ने एक मैसेज करा है कि हम बहन बेटी को नी दें वो चलेगा, किसी को नी दें चलेगा, पर हम एक ही घर में 3-4 देवरानी जेठानी रहती हैं, एक ही रसोई घर हमारा, हम एक आधा जाएं और लेके चले जाएं तो कैसा रहेगा। तो हमने कहा ले लो, उसमें क्या दिक्कत। आप कितना आस्था है, विश्वास है, तो बाबा का नाम लेकर भी आप जो कार्य करेंगे तो बाबा तो स्वीकार करेगा। मेरे बाबा को छल छिद्र कपट नहीं भाता, दिल से रीझ जाता, थोड़ा दिल से रीझेगा, आपके छल और कपट से वो नहीं रीझता, केवल निर्मल मन सो मोही बाबा उसको नहीं। और एक निवेदन आप सबसे, जो लोग कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, अगर बाबा की इस धरा पर पंडाल फुल हो जाए, रुकने की जगह व्यवस्था ना हो, आप गाड़ियां लेकर आ रहे हो, तो कुबेरेश्वर धाम से सीहोर मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर सीहोर वासियों के द्वारा, समाजों के द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण है। उन सभी धर्मशालाओं में आप सभी के लिए रुकने की व्यवस्था निशुल्क करी गई है। आप आओ, रहो आराम से, रात्रि विश्राम, जैसे राठौर समाज धर्मशाला है, ब्राह्मण समाज धर्मशाला है, महेश्वरी समाज धर्मशाला है, आज दो एक नाम हो रहे हैं, भावसर समाज धर्मशाला है, इछावर साइड से अगर कोई आ रहे हैं तो राठी धर्मशाला है, जहां पर रुकने की व्यवस्था करी गई है। सीहोर में रेलवे स्टेशन के पास में यशराज मैरिज गार्डन है, जो 7 दिन के लिए पूरा गार्डन निशुल्क व्यवस्था दी जाएगी महाराज। सीहोर में भावसर धर्मशाला कस्बे में निर्मित है, जहां पर पूर्ण व्यवस्था है। हनुमान फाटक पर हनुमान जी की धर्मशाला है, जो पूर्ण तरह से निशुल्क है। आप तो धर्मशालाओं के नाम इस कथा के माध्यम से लिख लो, जो सीहोर आए वो इन धर्मशालाओं में जाए, रात्रि में आराम से विश्राम करे, सुबेरे बाबा की इस सुंदर अभिषेक में, अनुष्ठान में पधारे, कथा सुनने पधारे, दिन भर खूब प्रेम से भोजन भंडारा करो, आनंद से कथा सुनो, शाम को 7 बजे 6 बजे बाबा की आरती करो, 7 बजे सुंदर बाबा के नृत्य के, रुद्राक्ष का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे रुद्राक्ष निर्मित हुआ, इन सब लीलाओं का दर्शन या नाट्य मंचन के हिसाब से दर्शन करें, और फिर शाम को अपनी गाड़ी। और ये भी नहीं है कि पार्किंग से गाड़ियां दूर होगी,
जहाँ कथा स्थल है, मंदिर है, उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर गाड़ियों को रोकने के लिए परमिशन दी है गवर्नमेंट ने और सुंदर पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। आप लोग गाड़ी को आराम से वहाँ खड़ी करो, आराम से कथा सुनो, शाम को बढ़िया चकाचक खा पी के जोरदार आनंद के साथ यहाँ से फिर सीहोर चले जाओ और सीहोर में जाकर फिर धर्मशाला में आराम से विश्राम करो। सोने चांदी की कोई रकम पेंट के मत आना, टेंशन लेके रत्ती भर का मत आना। तुम टेंशन लाओगे और बेचारा सीहोर वाला महाराज के दे जाओ कि हमारा ये घूम गया, हमारा वो घूम गया। और छोरा छोरी लाओ तो उनकी एक एक रस्सी बांध के लाओ। निवेदन है। और बड़े प्रेम से आओ, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आओ और बाबा से कहने के लिए आओ जो चाहिए। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आ रही हूं रुद्राक्ष उत्सव में। बाबा 7 दिन की कथा सुनने के बाद जब जाऊं और जब वापिस आऊं तो जैसे ये खड़ी हो के बोले नहीं ऐसी मारा भी नंबर लगी जाए ना मोबाइल जैसी बोलू माइक पे तो आनंद आए। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि जैसे सबकी झोली भरे ऐसी खुशियों से मेरी भी भर देना, बाबा से कह कर जाना। फिर कथा सुनू और सुनने का नियम है 3 महीने में वापिस आऊ, ऐसी कृपा कर। तो जितना सोना चांदी की रकम है सब घरे धरी आई है। टेंशन लेकर नहीं आना, ज्यादा पैसा देला भी लेके नहीं आना। इतना मत लाना कि माथा पच्ची हो जाए। तुम तो तुम्हारा खर्चा निकल जाए नहीं, और ये खर्चा की जरूरत क्या रही है ना, बड़ी जाए आराम से भोजन भंडारा चलेगा, चाय ने भोजन ने सुबह 10 बजे से चालू ने शाम के 7 बजे तक जितनी बार निपटा है निपटा लीजिए, पर इतना भी मत खा लीजिए कि चिकित्सालय बनाया उमी पड़ी दे। नहीं तो रे भाई, क्योंकि महाराज जी ने चिकित्सालय डॉक्टर बिठाए ने, सिस्टर बिठाई ने, नर्स बिठाई ने, सब जोरदार ने, पुलिस कंट्रोल रूम बनाया ने, प्रतीक्षालय बनाया ने, गुमशुदा तलाश केंद्र भी बनाया। तो ऐसा मत कर दिया कि छोरा छोरी की वहीं छोड़ दीजिए। तुम तो खूब आनंद से बस बाबा का भजन करो, रुद्राक्ष उत्सव का आनंद लो, एक रुद्राक्ष अपने जीवन में धारण करो और रुद्राक्ष को यह समझ कर लेकर जाना कि मेरा शंभु कुबेर का खजाना कुबेर भंडारी मेरे साथ जा रहा है और वो लेकर जाए। कल आपको कहा था रुद्राक्ष का कमल पुष्प, ये बाबा का रुद्राक्ष कमल पुष्प है। हजारों वृक्ष में से कोई एक वृक्ष ऐसा होता है जिस वृक्ष में हजारों साल में एक बार कमल रुद्राक्ष उत्पन्न होता है जो प्राप्त होता है। ये बाबा की कृपा से मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर भी इस कमल रुद्राक्ष का दर्शन अवश्य करें। कमल रुद्राक्ष जो कि पंखड़ियां उसकी खुली हुई होती है, जितना बाहर रुद्राक्ष होता है उतना अंदर भी रुद्राक्ष रहता है, ऐसा कमल रुद्राक्ष का वर्णन बाबा कर रहे हैं। 2 रुद्राक्ष यहां पर हैं जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। एक कमल रुद्राक्ष जो जीव के लिए संपदा सुख वैभव प्रदान करने वाला होता है, दूसरा है शालिग्राम रुद्राक्ष। शालिग्राम रुद्राक्ष जो कि 7 मुखी, 11 मुखी, 16 मुखी और 18 मुखी तक होते हैं शालिग्राम रुद्राक्ष, जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव शिव शंकर का नेत्र अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं वो शिव तत्व को सुख प्रदान करने वाले, ओगरदानी का सुख प्रदान करने। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आप। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव की आराधना,
हम केवल मंदिर तक जाना सीख जाएं, शिव महापुराण तक जाना सीख जाएं, फिर गोता लगाना और मोती देना मेरे शंभू के हाथ में है। आज माता जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती है, भोलेनाथ आराधना साधना मंत्र जाप स्मरण करने में किस चीज की फल प्राप्ति होती है वो मुझे दर्शाने का प्रयास कर। कृपा करी बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव मेरे ओगड़ी मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं, मेरे शंभू कहते हैं, जगत जननी जब पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञानेंद्री और एक मन इन 11 इंद्रियों के इस शरीर से जो मंत्र निकलता है जो मंत्र जाप निकलता है जो स्मरण निकलता है वो जीवन का सुख देने वाला होता है। एक भगोना दूध बहुत बड़ा भगोना दूध का उसका दही बनाना है तो जामन कितना डालोगे? दही बनाने के लिए जो उसमें जामन डालेंगे गला पकड़ रहा है बाबू, जामन बनाने के लिए जो दही बनाने के लिए जो जामन डालेंगे वो जामन डालेंगे कितना? थोड़ा सा। बड़ा सारा भगोना बड़ा भरा हुआ दूध का है, बहुत भरा, और उसमें थोड़ा सा जामन डाला और जामन डाला तो वो दही बन गया। तुम्हारे जीवन में तुम सब कुछ करो, मनुष्य की देह मिली है, उन्नति की ओर बढ़ना भी है, कार्य भी करना है, तरक्की भी करना है, नाम रोशन भी करना है, सारे कार्य भी आपको करना है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे बड़े सारे भगोने में थोड़ा सा जामन डाल दो तो दही बन जाता है, उसी तरह संपूर्ण मानव के जीवन में थोड़ी सी 7 दिन की शिव महापुराण की कथा या शिव तत्व डाल दो तो जीवन सवर जाता। थोड़ी सी शिव कथा, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। हमें ज्यादा भटकना भी नहीं है, हम तो थोड़ा सा आधी में पुण्य बहुत उतना, अगर थोड़ा सा भजन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम स्मरण कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नाम जाप कर लेते हैं, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेते हैं, 24 घंटे आप माला पकड़ कर बैठो या 24 घंटे माला लेकर बैठो या 24 घंटे आप भगवान की भक्ति में डूबो, ये बसता नहीं किसी के लिए। थोड़ा सा ना राम नाम लीनो तूने बड़ी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मंत्र जाप अगर हम कर रहे हैं, थोड़ा भी मंत्र जाप कर रहे हैं, थोड़ा भी हम स्मरण कर रहे हैं, हमारे जीवन को हम सार्थक बना रहे हैं, हमारे जीवन को हम संवार। पर मंत्र जाप करने में एक चीज का स्मरण जरूर करिए, सुबह के समय पर यदि माला लेकर बैठे हो तो नाभि के पास देखो कौन से कमरे की लाइट किस खटके से जलेगी, ये ध्यान होना चाहिए। मंत्र का फल माला का फल किस जगह से कितना प्राप्त होने वाला है उसका स्मरण करिएगा। सुबह के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि आप मंत्र माला जपने बैठे हो माला लेकर बैठे हो तो आपका हाथ कहां होना चाहिए? नाभि के पास। जब मध्यान्ह का समय हो जाए
दोपहर का समय हो जाए तब आपका हाथ माला जपने का जो हस्त है फिर वो अपने हृदय के पास आ जाए और मंत्र माला जपने का फिर हस्त कमल शाम का जब समय हो जाए तब हाथ नासिका के पास आ जाए। नासिका के पास खटकों का ध्यान रखना, कौन से खटके से कौन सा पंखा चालू होता है, कौन से खटके से कौन सी लाइट चालू होती है और किस जगह पर हाथ रखकर माला जपने से क्या फल प्राप्त होता है उसका भी स्मरण हमें करना चाहिए। संपूर्ण उदर पोषण के लिए, केवल आप अकेले के उदर पोषण के लिए नहीं, संपूर्ण उदर पोषण के लिए जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः में सुबह के समय जब मंत्र का जाप होता है संपूर्ण ब्रह्मांड के उदर पोषण के लिए किया जाता है। हृदय के पास में मध्यान में जब मंत्र जाप होता है तो ये भाव रखकर करा जाता है कि सबके हृदय में आपका निवास हो जाए, जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, जिस मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ उसका भाव प्रत्येक जीव के हृदय में पहुंच जाए, प्रत्येक जीव के हृदय। शाम का समय रात्रि का समय जब होगा नासिका के पास हस्त कमल होगा तब तो उसका स्मरण करिए कि अब ये शीश नासिका मस्तक सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, सब समर्पित। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य सार्थकता, मनुष्य के जीवन का आनंद उसकी जाप, उसके अनुष्ठान, उसके स्मरण से उसको फल की प्राप्ति हो जाती। महाराज पार्वती जी ने सुना, आगे वर्णन आया, भगवान शिव को क्रोध आया और उनके नेत्र अश्रु गिरा, जिस नेत्र शुरू से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर पड़ा। अंधकासुर जिसको माता पार्वती ने अपनी गोदी में लिया है। महाराज जी पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया है और पार्वती मैया ने जब गोदी में लिया अपने पुत्र का भाव दिया पर बाबा देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं पार्वती आपका पुत्र नहीं है। ये आपका पुत्र नहीं है, क्यों पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा और यदि नेत्र बंद करने के बाद अगर प्रगटा है तो ये आपका पुत्र नहीं। पुत्र की सार्थकता कब तक है, पुत्र की सार्थकता किस समय तक है? माता पिता जिंदा हैं और अगर पुत्र उनको आदर दे, सम्मान दे, सत्कार दे, माता पिता के अनुकूल चले तो पुत्र की सार्थकता। और मालूम पड़े मरने के बाद में महाराज माता पिता जब चले गए, माता पिता जब बैकुंठ वास हो गया उसके बाद में फिर बाद में जो है पुत्र सैयादान कर रहा है, कहीं ब्राह्मण भोज करा रहा है, कहीं भूखे को भोजन करा रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने माता पिता के निमित्त कर रहा हूँ तो माता पिता के मन में तो ये आ जाता है कि बताओ मेरे को लग रहा है ये उड़ गए ऐसा लग रहा है। तो जब वो आवाज आई थी ना उसके तो
माता पिता के जाने के बाद अगर आप कुछ दे रहे हो या माता पिता के जाने के बाद आप उन्हें कुछ प्रदान कर रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है। जब माता पिता जीवित हैं, माता पिता का जीवन है और माता पिता के जीवित भावों में हम माता पिता को अगर कुछ उनके कहने पर कर रहे हैं तो बेटे के जीवन की सार्थकता तो बेटे के जीवन की सार्थकता, वरना बेटे के जीवन की कोई सार्थकता। वो कहते हैं ना, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थे तब तो पूछा नहीं और मरने के बाद में उनको लोटा में भर के ले गए और ट्रेन में नाटक भी इतने सारे कर गए, रेल के अंदर सीट पे धर दिया और कहीं का उस सीट पे चढ़ गया तो चिल्ला कर हमारी अम्मा बैठी है। अब सीट पे केवल अकेला लोटा रखा था तो वो बैठने वाला बैठ गया तो ने कहा है तुम्हारी अम्मा, तो कि दिख नहीं रहा लोटा में, कहाँ ले जा रहे थे, कि गंगा जी ले जाए। रोटी खाए तो थाली रखे, फिर चाय पिए तो चाय रखे, टिकट भी करवाया, चाय भी पिलाई, रोटी भी खिलाई और बड़े पूछते पूछते गया, अम्मा चलो अम्मा चलो। अम्मा को ऑटो में भी ले गया, गाड़ी में भी ले गया, बिठा कर भी ले गया, ट्रेन की बर्थ पर भी खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाया, सब कुछ करते 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 लेकर गया। जितने प्रेम से तू अम्मा को मरने के बाद ले गया था उतने प्रेम से अगर तू जिंदा जी ले जाता तो अम्मा का कितना आशीर्वाद मिल जाता, जरा विचार तो करो। मरने के बाद भी तो तू लेकर गया। मरने के बाद भी तो लेकर गए हो, पर जीते जी अगर लेकर चले जाते, जीते जी अगर लेकर पहुंच जाते तो सार्थकता होती कि नहीं होती जीवन की। कथा कह रही है ये अंधकासुर जो जन्मा है ना, मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है और मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है इसलिए इसकी श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी कहती है मैं समुद्र में नहीं फेंकूंगी क्योंकि मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है। अब देखिएगा जरा, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने पर पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम अंधकासुर हुआ और भगवान शंकर ने ही उसका संहार करवाया। और भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, पार्वती जी ने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद कर दिया था। जैसे ही नेत्र बंद हुए, पार्वती जी ने नेत्र जैसे ही शिव जी के बंद करे, बंद करते से ही उनके नेत्र से एक अश्रु नीचे गिरा जिसके गिरते से रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गया। दोनों में अंतर देखिए, एक नेत्र बंद थे जिससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अंधकासुर था, एक नेत्र बंद हुए जिससे वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष था। ध्यान दीजिएगा, अंधकासुर भगवान शंकर स्वयं संहार कर रहे हैं और रुद्राक्ष जिसको शंकर भगवान स्वयं शिव महापुराण के अंदर लिख रहे हैं, कह रहे हैं तुमरुका जी की साक्षी में मेरे शंकर ओगड़दानी काशी विश्वनाथ कहते हैं, सुनो तुमरुका जी ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष का फल अगर जीव अपने हृदय पर धारण कर लेता है या अपने पास रख लेता है तो वो किसी फल से वंचित नहीं रहता, सारे फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। शिव कह रहे हैं काशी खंड में स्कंद पुराण में सुंदर भाव वर्णन किया, स्वयं तुमरुका जी को समझा दिया, स्वयं तुमरुका जी। स्वयं समझा, स्वयं कह रहे हैं। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल आखिर वो दर्दे दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है।
सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नीनू को डमरू वाले का हो, नीनू को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला बोला बस उतना शिव तत्व को चाहने वाले जो होते हैं, भगवान शंकर को जैसे चाहने वाले होते हैं, तो शंकर को पाने का प्रयास करते हैं, शिव को पास लाने का प्रयास करते हैं। पुत्र दोनों प्राप्त हुए, पुत्र दोनों मिले हैं। एक नेत्र बंद कर कर अंधकासुर के रूप में प्रकट हुआ है, वो एक प्रकट हुआ तो रुद्राक्ष के फल के रूप में प्रकट हुआ। एक संसार को दुख दे रहा है तो एक संसार को प्रसन्नता दे रहा है। एक दुख दे रहा है, अंधकासुर ने करा क्या था, कोई पुत्र अपने माता पिता को अगर कष्ट दे रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व का कर्जा चुका रहे हैं। कोई बहू तो बहुत अच्छी मिल जाती है, जो टाइम पर भोजन भी दे देती है, सम्मान भी करती है, आदर भी करती है, और कहीं कहीं की ऐसी भी मिल जाती है जो अपशब्द भी कह देती हो। तो मिली है तो ये मत कहना कि कहीं कुछ गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे कर्म की है। हमने पूर्व में गाय हमारे दरवाजे पर आई थी, गौ माता हमारे दरवाजे पर आई थी, हमने उसको डंडा मारकर भगाया था, हमने उसको बासी रोटी खिलाई थी, हमने उसको ठंडा भोजन दिया था, हमने घर का बचा कुचा सारा कचरा उठाकर उसको दे दिया था। तो वही गो माता आज हमारे घर में आई है हिसाब चुकता करने के लिए। तुम बाहर डाल के आ जाती थी, बहू भी तुम्हारे कमरे में चाय रख के आ जाती, पियो तो पियो नहीं तो ये धर, वो तो वो चल, उसको क्या, तुम भी डाल कर आ जाती। तुम गौ माता को डंडा दिखाती थी, वो तुम्हें आग दिखा रही है। कभी मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण जरूर पढ़ लो, गीता प्रेस गोरखपुर की बुलवा ले। कौन से पुराण? भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हमारे कर्म के अनुसार हमारे रिश्तेदार मिलते हैं। जितने हमारे रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, कुटुंबी मिलेंगे, परिवार मिलेगा, बेटी बेटा बच्चे जितने मिलेंगे सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिलेंगे। और पतियों से भी निवेदन है, तुमको जो जगदम्बा मिली है वो तुम्हारे कर्म के अनुसार मिली है, और पत्नियों को जो भैरू मिले हैं वो तुम्हारे कर्म के अनुसार, दूसरे का कोई कर्म नहीं। अब कई लोग विचार करते हैं, गुरुजी जब जीवन में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, कई लोग रोते हैं, इतना दुख है, हमारा पति हमको अपशब्द कर देता है, ताने दे देता है, ये दे देता है, वो दे देता है। जरा विचार करो, विचार करना, कितने बॉय डटा आए थे तुम्हारे देखने के लिए, कितने लड़के आए थे तुमको देखने के लिए, और कितनी लड़कियां आई थी, कितनी लड़कियों को तुमने देखा और कितने लड़कों को तुमने देखा। उसके बाद भी पूरी दुनिया में सारे छोरा छोड़ के ये ही मिला सिंदूर चढ़ा, जरा विचार तो करो। और सारी दुनिया में कितनी लड़कियां देखी तुम्हारी मम्मी ने, कितनी
एक से बढ़कर एक फोटो आया, एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने बताया, साथ देखा, डायरी यहाँ तक किताब चल गई, कौन सा बोलते वैवाहिक पत्रिका में देख रही है, अच्छी वो बुरी छाड़ भी रहो तुम, हर माल 2 रुपया ढूंढ भी तुम रहे हो, छाड़ भी तुम रहे हो, सारी दुनिया की इतनी लड़कियों के फोटो आए, इतने बायोडाटा आए, इतने संबंध आए, पर इसी के साथ तुम्हारी किस्मत लिखी थी, विचार करिए तो जरा सोचो ये हुआ कैसे, क्या कारण था, ये आज का संबंध नहीं था, ना जाने पुराना कितना संबंध था, इसलिए चुपचाप करने के लिए इससे जोड़ा गया, हिसाब जोड़ने के लिए बनाया गया। कई लोग इंदौर में ढूंढे, भोपाल में ढूंढे, वहां ढूंढे, वहां ढूंढे, मालूम पड़े गांव की गांव में हो जाए, कई लोग इधर उधर ढूंढते गांव की गांव में ढूंढे कि मैं तो यहीं की यहीं करूंगा, मैं तो इंदौर की इंदौर करूं, मैं तो भोपाल की भोपाल करूं, नहीं भाग्य में तो दूर जाना पड़ेगा, किस्मत कितना देखा परखा सब कुछ करा, पर जो भाग्य में ललाट पर लिखा था वो तो होना ही था। जन्म मरण और परण तीन मेरे भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकते। अब जब किस्मत में ये लिखा है तो फिर तुम सोचो कि मैं तो इससे तंग आ गई, मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं इसके साथ जिंदगी बनी रह सकती, मेरे को तलाक चाहिए तो ले ले। जब अभी भैरू मिला है बटुक, आगे काल भैरव भी मिल सकता है, वो तो मिलेगा भैरू ही, चाहे वो बटुक भैरव हो, काल भैरव हो, शमशानी भैरव हो, बाल भैरव हो, चाहे गढ़ भैरव हो, पर रेगा पक्का हो सकता। इसलिए निवेदन है, अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तलाक के, जरा सा कुछ हुआ तलाक, जरा सा कुछ हुआ अदालत में पहुंच गए। मेरा निवेदन है, संबंध बिगाड़ने से पहले 50 बार शिव महापुराण की कथा को सुनो, 50 बार विचार करना, शिव महापुराण की कथा को सुनना कि संसार में जो जन्मा है वो पूरा श्रेष्ठ कोई नहीं जन्म ले सका, परमात्मा भी आए तो उनमें भी लोगों ने खोट निकाल दी है, तो हम तो संसार के लोग हैं, हम कहां पूर्ण हो सकते हैं, कहां पूर्ण। राम जी महाराज का नाम पूर्ण पुरुषोत्तम कब पड़ा था? पुरुषोत्तम राम, पूर्ण पुरुषोत्तम राम नाम मेरे राम जी का कब पड़ा था? जब माता सीता के धनुष यज्ञ में पहुंचे थे और जानकी मैया को जब देखा था, जानकी जी ने जब राघव जी को देखा था, तब राम पूर्ण पुरुषोत्तम कहला गए थे, तब पूर्ण पुरुषोत्तम हुए थे। कमी सब थोड़े दोष अगर पति में है तो थोड़े दोष हम में भी होंगे, पत्नी में भी होंगे, बस थोड़ा सा बैलेंसिंग मिलाना पड़ेगा। अदालत मत जाओ, ज्यादा अदालत जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अदालत पहुंचने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं को संवारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। सास बहू को सुधारना चाहती है, बहू सास को सुधारना चाहती है, बेटा बाप को सुधार रहा है, बाप बेटे को सुधार रहा है, बड़ा भाई छोटे को सुधार रहा है, छोटा भाई बड़े को सुधार रहा है, पर सुधरना किसी को नहीं है, सुधर कोई नहीं था, सब महाराज अंध का सुर उपद्रव मचाया, आखिरी में स्वयं भगवान शंकर ने काल भैरव को बुलाया और अंध का सुर के प्राण हरे, स्वयं भगवान शिव ने बुलाया और भगवान शंकर स्वयं काल भैरव को प्रकट कर अंध का सुर के प्राणों को हरे। बेटा हो पुत्र हो
परिवार में जिसमें रह रहे हो, परिवार हो, पुत्र हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, ये सब जो हैं विद्यमान निवास करने वाले, इन सब में आत्मी प्रेम की एक आनंदता हो। अंधकासुर मर गया, प्राण छूट गए। आगे वर्णन आता है भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कथा का, सुंदर व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। सोमनाथ बाबा का सुंदर भाव वर्णन किया। एक सूचना और दे दें, सीहोर में ही सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा स्वर्णकार धर्मशाला में निशुल्क ठहरने की व्यवस्था रखी गई है, जो कि बस स्टैंड के पास में है। अगर कोई भगत लोग ठहरना चाहते हैं तो एक धर्मशाला का और नाम लिख लो, कभी आप लोग आए और यहाँ व्यवस्था आप लोगों के अनुकूल ना हो तो आप बड़े प्रेम से सीहोर की सारी धर्मशालाओं में जाकर ठहर सकते हैं। फिर निवेदन करूंगा, स्टेशन के पास से आओ तो यशराज मैरिज गार्डन, राठौर समाज की धर्मशाला, बाजार में प्रवेश करो तो बड़े आनंद के साथ में कस्बे की भावसा धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, महेश्वरी धर्मशाला, इछावर रोड से आ रहे हो तो इछावर की राठी धर्मशाला और हनुमान मंदिर धर्मशाला, और अगर बस स्टैंड के पास में आ रहे हो तो वहां पर स्वर्णकार धर्मशाला। ऐसी सभी धर्मशालाएं सारे आने वाले भक्तों के लिए 28 तारीख से 6 मार्च तक निशुल्क व्यवस्था करी गई है। आप सब आकर उनमें ठहर सकते हैं, व्यवस्था आप लोगों की वहां पर पूर्ण है, आप वहां पर आराम से रहें। कुछ कुछ धर्मशालाओं में आप लोगों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी समाज के लोगों द्वारा करी जा रही है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएं। आप सबके भाव और आनंद से आप बधा। पहला ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा है, सोमनाथ जी का स्मरण कराया है महाराज जी। सोमनाथ जी का वर्णन किया। हाँ, एक शुगर मिल चौराहे पर गणेश मंदिर के पास कायस्थ समाज की धर्मशाला, वो भी पूर्ण तरह से निःशुल्क है, उसका भी ध्यान रखिए। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ये सूचना उनको दी जा रही है विशेष रूप से, क्योंकि आप लोग आए तो सीहोर अगर पहुंच रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को ज्ञात हो कि अगर यहाँ व्यवस्था आपको रहने की नहीं मिल पा रही हो तो आप वहां पर आराम से वहां रुके और सुबेरे से आए और शाम को फिर यहाँ से वापस धर्मशालाओं में जाकर ठहर गए। महाराज काशी विश्वनाथ भगवान की, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर कायाक्षण होने का श्राप लगा था ससुर का और श्रापित हुए देवऋषि नारद से जाकर निवेदन करा, प्रार्थना करी कि नारद जी कृपा करिए, मुझे मेरे ससुर ने श्राप दिया है, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि तेरी काया क्षीण होगी। आप कुछ करुणा करेंगे तो हो सकता है कि मेरी काया ठीक हो जाए। कहा एक काम करो चंद्रदेव, तुमने अपनी दृष्टि में भेद उत्पन्न कर लिया। जब व्यक्ति के जीवन में भेद उत्पन्न हो जाता है ना तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। भेद कैसा? दूध का भगोना गैस पर चढ़ाया, सरल भाषा में समझ लीजिए, गिलास दूध के भरे, खुद के बेटे के लिए दूध जो दिया उसकी मात्रा बढ़ा दी, जेठानी देवरानी के बेटे को दूध दिया उसकी मात्रा घटा दी, इसमें मलाई डाल दी, उसमें से मलाई भेद। सास ससुर एक बेटे को ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे बेटे को कम दे रहे हैं, भेद। चाहे संसार में रहने वाला व्यक्ति भेद करता है तो उसको 94 नरक में से 26 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं। हमारे इसका स्मरण रहे आपके जीवन।
गुरु स्वयं महाभारत की कथा कहती है अंगूठा मांग लिया है और गुरु की दशा क्या हुई थी फिर युद्ध के मैदान में पुत्र भी तड़प तड़प के रो रहा है चिल्ला रहा है चिंघाड़ रहा है एक पुत्र एक शिष्य तुम्हारे लिए इतना प्रबल था कि उसकी धनुष विद्या प्रबल थी और इस भील की धनुष विद्या भी प्रबल थी पर इनसे प्रबल वो धनुर्धर था वो एकलव्य वो धनुर्धर इससे प्रबल था और आखिरी में क्या करा गुरु ने देख लिया कि ये ज्यादा आगे निकल जाएगा ये प्रबल निकल जाएगा और जिसको मैं प्रेम से विद्याध्यान करा रहा हूं रसतत्व दे रहा हूं ये पीछे रह जाएगा तो मांग लिया अंगूठा ही मांग लिया और उसने तो पढ़ा भी नहीं था गुरुजी के पास जाकर मात्र पुतला बनाया था गुरुजी का और गुरुजी का पुतला बनाकर और उससे विद्याध्यान कर रहा था तो प्रबल था गुरु की करनी गुरु भरेगा चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला अगर गुरु अपनी दृष्टि में भेद करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है माता पिता दृष्टि में भेद करते हैं माता पिता को भोगना पड़ता है पति पत्नी पुत्र पुत्री ये सब अगर भेद कर रहे हैं देवरानी जेठानी भाई भाई आपस में भेद कर रहे हैं दृष्टि का भेद है भोगना पड़ेगा एक भाई सोच ले कि मैं छोटे भाई को कम दूंगा अपने पास ज्यादा रखूंगा अपने पुत्र को तू देखकर देख लेना मरने के बाद ऊपर से तो देखेगा समाज के लोग संसार के लोग भी तो देखेंगे कि तूने अपने पुत्र को ज्यादा दिया और उसको कम दिया तो दृष्टि का भेद वो तू देखकर तो चले जाएगा पर तेरा बेटा कब उसको डब्बे में लगा देगा कब शेयर मार्केट में लगा देगा और कब डब्बा गोल कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा इतना छोड़ कर गया था सब रोड पर मिला दिया दृष्टि में भेद मत आने देना अपनी दृष्टि में कभी भेद मत आने देना कि ये मेरा है ये पराया है ये मेरा ये पराया ये दृष्टि का भेद मेरे को तो मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने गिलकी की सब्जी मेरे लिए बनाई तो सबके लिए बना लेती जगदम्बा सबके अरे ओ चंद्र घंटा कुष्मांडा ओ स्कंदा मेरे बच्चे को मेरे बेटे को टिफिन में ये चीज अच्छी नहीं लगती वो नहीं रखूंगी तो दूसरे का भी तो टिफिन बनाए एक बार उससे पूछ ले तो क्या खाएगा बेटा पसंद का बोल क्या बनाऊं तेरे लिए अपने बेटे की पसंद याद है तो दूसरे की भी याद होना चाहिए तुम्हारा पति किस शर्ट को पहनकर अच्छा लगेगा ये आप चुनते हो कभी ये विचार करा कि मेरी सास पर कौन सी साड़ी जमेगी प्रसन्नता तब होती है सास को जाकर पूछे मम्मी आज ये वाली पहनो तुम पर जचेगी भेद छोड़ दो दृष्टि का भेद छोड़ दो अच्छा पत्नी जरूर कहती है पति से कि तुम पे ये शर्ट जमेगी पर कभी पति पत्नी से नहीं कहता कि तू ये पहन के तू इसमें जमेगी वो हमेशा एक ही बात मन में सोचता है बस ये बाहर निकले ना तो सिर्फ थोड़ा सा पल्लू लेके निकल जाए ना तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए मेरी मम्मी का हृदय चेहरा प्रसन्न हो जाए कि मेरी बहू ऐसे कायदे से निकली पर करूं क्या ये तो धड़ धड़ा के ऐसी चले जैसे जंगल में हथनी चल जाए ऐसी चली भगवान दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए
समझ में आ गया कि और सुनाए? नहीं मन, समय भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो मूंछ वाला भैया आ गया, समय देखा। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, सोमनाथ की कथा कह रही है। भगवान दृष्टि में भेद करा था, इसलिए चंद्रदेव तुम्हें काया का रोग हो गया था, एक को इसने करा बाकी को नहीं, इसलिए काया का रोग हुआ। सोमनाथ जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन जी, भगवान कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर गए, भगवान शंकर पार्वती ने जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान को यहाँ विराजमान करा, नर्मदा मैया ओम के रूप में बही, ओंकारेश्वर नाम पड़ा। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा। भीमाशंकर करकटी का पुत्र भीम, जिसने अपने पिता और ताऊ का बदला लेना चाहा, संतों को मारना चाहा, भगवान शंकर प्रकट हुए, भीम का संगार करा, भीमा शंकर। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु और शत्रुता ने तप कर भगवान शिव को विराजमान करा। फिर अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान शंकर पे स्वयं भगवान ओघड़दानी ब्रह्मा और विष्णु को लेकर पहुंचे और गौतम बाबा से गौ हत्या के दोष को दूर करा। वैद्यनाथ जी का वर्णन आया, रावण को लघु शंका लगी, शिवलिंग को भूमि पर रखा, उठा नहीं शिवलिंग, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में निर्मित हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर बाबा का वर्णन आया, राम जी महाराज ने सेतु बांधने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करा, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा को पुत्र हुआ जो सुदेहा को दिया गया, सुदेहा ने अपने पुत्र का विवाह करा, बहू को लगा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा को नहीं पूछा, सुदेहा ने उसको मार कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा का नियम था शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी, आज विसर्जन करने गई, मन में आया पुत्र का दर्शन बहुत दिन से नहीं हुआ, भाव प्रकट हुआ, तब जानकर भगवान जो एक हफ्ते पहले पुत्र मरा था वो तैरता हुआ वापस बाहर निकल कर आ गया, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोले कृष्णेश्वर महादेव की, स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी ये पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जीवन का सुख देने वाली मैंने श्रवण कराई। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूटकर आनंद से भगवान शंकर के धाम को जाता है, चंचुला फिर अखंड सौभाग्यवती हो जाती है। ऐसी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण होती है, शंकर भगवान अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं, शिवपोथी को दिया बेलपत्र, बेलपत्र दिया और कहा तुम रुका जी प्रतिदिन चढ़ा हुआ बेलपत्र शिवपोथी का औषधि का काम करता है और विराम का बेलपत्र कुबेर का भंडार भरने वाला होता है। ऐसा पुनित पावन बेलपत्र मेरे शंकर ने शिवपोथी को समर्पित किया, भाव से शिव महापुराण की कथा में दान की महत्वता कही। कथा का विराम दिवस है, विराम की ओर अपन चल रहे हैं, बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से बहुत बहुत साधुवाद श्री राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश मोदी, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन जी, श्रीमती पायल जी मोदी, मुरैना वाला परिवार, आप सभी को बहुत बहुत साधुवादता है जिन्होंने इतने प्रेम से आनंद से शिव महापुराण की कथा को करवा कर जनमानस तक संपूर्ण ब्रह्मांड में इस पुनित पावन कथा को पहुंचाया है। आस्था चैनल के फेसबुक यूट्यूब के सभी श्रोता भाई बहन और जितने इस पंडाल में श्रवण कर रहे हैं सभी को भाव भक्ति से शंकर आपके हृदय में मेरे शिव विराजमान हो, ये भाव के साथ में कथा को अपन विराम लेते हैं। एक बार बाबा से निवेदन जरूर करना कि बाबा इतनी संपदा इतना वैभव देना कि हम भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराएं, ऐसी कृपा करना, बाबा से कहकर जाना, बाबा आप सभी के मन की मनोरथ पूर्ण करे। भाव भक्ति से आज कथा विराम हो रही है, 26 तारीख को
27 तारीख का दिन बीच में छूटेगा। 28 तारीख को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष महोत्सव की शिव महापुराण की कथा बड़े भाव भक्ति से अपन श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। जो लोग इस पावन आयोजन में पधार रहे हैं उन सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।